तो दोस्तों वैसे तो भारत को यदि सस्ते दामों पर दूसरे देशों से माल मिल जाता है तो यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, परंतु यही वाला जो सस्ता माल है यदि भारत के ही उद्योग धंधों को चौपट करने लगे तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी और निराशाजनक खबर हो सकती है। और ऐसा ही हो रहा है फिलहाल में भारत के साथ। दरअसल आप सभी जानते हो कि प्रेजेंट टाइम में भारत मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर बनना चाहता है, और कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत हम आत्मनिर्भर बन भी चुके हैं। जैसे आप कांच का ही क्षेत्र ले लीजिए, भारत के अंदर हर प्रकार के कांच को बनाने की फैक्ट्रियां उपलब्ध हैं और भारत हर प्रकार के कांच को आसानी से अपने यहां पर ही उत्पादित कर सकता है। पर दोस्तों भारत का यह जो कांच है इसके लिए सबसे बड़ी बुरी खबर यह है कि भारत के अंदर जो कांच के व्यापारी हैं वो भारत के द्वारा बनाए गए कांच का इस्तेमाल ही नहीं करते। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत के अंदर जो कांच बनता है उसका उपयोग भारत के व्यापारी नहीं करते। इसके बदले भारत के व्यापारी थाईलैंड और बांग्लादेश से सस्ते दामों में कांच को आयात कर लेते हैं, और ऐसा करने के पीछे का कारण है कि भारत के अंदर जो कांच बनता है उसकी जो प्राइस है वो थाईलैंड और बांग्लादेश से आने वाले कांच की तुलना में काफी ज्यादा आती है। इसलिए भारत के जो कांच के व्यापारी हैं वो भारत के अंदर बने कांच की बजाय थाईलैंड और बांग्लादेश से आयात करके भारत के अंदर कांच को बेचा करते हैं। जैसे थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों को जबरदस्त मुनाफा होता है, जबकि भारत की जो कांच की इंडस्ट्री है वो लगातार घाटे में जा रही है। और जैसे ही इस बात की खबर भारत की सरकार को पता चलती है तो कुछ महीने जांच करने के पश्चात में भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा और अहम फैसला ले लिया है, और भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश और इसके अलावा थाईलैंड से जो कांच का आयात भारत के अंदर होता है उसके ऊपर डंपिंग ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। और स्क्रीन पर आप सभी एक स्क्रीन शॉट भी देख सकते हो जिसके माध्यम से यह जानकारी पुख्ता हो जाती है कि बांग्लादेश और थाईलैंड से भारत के अंदर कांच का आयात रोकने के लिए भारत सरकार ने इन देशों के कांच के ऊपर जबरदस्त टैक्स ठोक डाला है, जिससे भारत के जो कांच की वैल्यू है वो थाईलैंड और बांग्लादेश के कांच की वैल्यू से काफी कम हो जाएगी और भारत के अंदर भारत के ही बने कांच का उपयोग होने लगेगा, जिससे भारत की जो कांच बनाने वाली कंपनियां हैं जो लगातार घाटे में जा रही हैं वो एक बार फिर से पुनः अपने आप को खड़ा कर लेंगी। और इस प्रकार से भारत सरकार ने अपने हितों का ध्यान सबसे पहले रखा है, ना कि दूसरे देशों का। खैर, आप सभी की भारत सरकार के इस फैसले के ऊपर क्या राय है और क्या भारत सरकार ने सही किया, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।